मूडीज ने 13 साल बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया, Baa2 तक पहुंच गई भारत की रेटिंग। मूडीज की रेटिंग का वित्त मंत्री ने किया स्वागत, कहा पिछले कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। An upgrade which has really happened after 13 years. And we welcome this upgrade. Moody's की रेटिंग पर पीएमओ का ट्वीट, मोदी सरकार की नीतियों और सुधार का ये नतीजा। मूडीज की रेटिंग पर अमित शाह का ट्वीट, 2004 के बाद पहली बार रेटिंग में सुधार, मोदी सरकार के गुड गवर्नेंस और सुधार को मिल गई मान्यता। राम मंदिर को लेकर श्री रविशंकर की मुहिम जारी, अयोध्या से लौटकर आज लखनऊ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता फिरंगी महली से मिले। श्री ने कहा अदालत का काम है फैसला देना, कानून दिलों को नहीं जोड़ सकता। अदालत की फैसले ही रहेगी, मगर यदि हम लोगों के दिल से एक फैसला निकले उसका मान्यता सदियों तक चले। मान दोनों मिल बैठ करके आपसे आपसी जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करें। शशि की पहल पर हनुमान गढ़ी के महंत की प्रतिक्रिया, दोहरी बात करते हैं रविशंकर। महंत ज्ञानदास ने कहा मंदिर तो 2010 में ही बन जाता, अशोक सिंघल बने कटियार और श्री श्री रविशंकर ने किया था इनकार। महंत ज्ञानदास ने कहा बस बाकी रह गए थे निर्मोही अखाड़े के हस्ताक्षर, इनकार की वजह से जलाने पड़े समझौते के कागजात। राम मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख कार्यकर्ताओं की भर्ती करेगा बजरंग दल, 19 नवम्बर से 6 दिसंबर तक चलेगा अभियान। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने श्री श्री रविशंकर पर साधा निशाना, मामले में राजनीति करने का लगाया आरोप। लखनऊ में सीएम योगी की माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कामों की समीक्षा के लिए आए हैं भारत। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी, पिछले हफ्ते आतंकवादी गुट को ज्वाइन करने वाले फुटबॉलर ने किया सरेंडर। पूर्व फुटबॉलर ने दक्षिण कश्मीर के डीआईजी के सामने किया सरेंडर, अनंतनाग का रहने वाला है माजिद खान। बुधवार को कुलगाम में मारे गए आतंकी के अंतिम संस्कार में दिखा था माजिद, बंदूक से दे रहा था सलामी। माजिद की वापसी के लिए परिवार के साथ पूरी घाटी में सोशल मीडिया पर चल रहा था कैंपेन, वापसी से खुश परिवार। उधर पाकिस्तान ने आतंकवादी बुरहान वानी को बनाया अपना हीरो, तस्वीर के साथ बुरहान बैग बांट रही है मुस्लिम लीग। जम्मू कश्मीर में पुंछ इलाके में सीजफायर का उल्लंघन, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग। पाकिस्तान ने दिगवार और खर्री इलाके में फायरिंग कर रहे हैं, सैनिक दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब, एक जवान हुआ घायल। दिगवार और खर्री के पास तीसरी पोस्ट शाहपुर में भी फायरिंग, अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं। चीन और पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों पर रखेगी निगरानी, सेना 60 अनमैंड एरियल व्हीकल्स खरीदने पर कर रही है विचार। यूएवी से 200 किलोमीटर की रेंज तक रहेगी नजर में, 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर ऑपरेशन संभव। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, उम्मीदवारों के नाम घोषित। मुंबई के खदर में मुंबई कांग्रेस के वर्कर भी करेंगे प्रचार, 21 नवंबर के बाद 200 कार्यकर्ताओं की टीम होगी रवाना। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी के नेता ने पत्नी के प्रचार में दिया विवादित बयान, विशेष समुदाय को दी धमकी। अगर रंगीन बहादुर की पत्नी को तुमने वोट देकर के चुनाव नहीं जाया तो ये दूरी जो तुम बनाने जा रहे हो, अब अगर ये दूरी बनेगी तो तुमको समाजवादी पार्टी बचाने नहीं आएगी। पीएम के खिलाफ गाना गाने वाले बनासकांठा के शिक्षक पर गिर सकती है गाज, चुनाव आयोग कर सकता है कार्रवाई। गुजरात के राजकोट में सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों ने चुनाव का किया बहिष्कार, जगह जगह लगाए पोस्टर। अब बंद होगी जीएसटी के नाम पर ठगी, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी, घटे टैक्स का लाभ न मिलने की शिकायत कर सकेंगे यहां पर ग्राहक। एनसीआर राज्य में ऑड इवन लागू करने पर आज फिर से होगी एनजीटी में सुनवाई, दिल्ली सरकार ने दाखिल की है पुनर्विचार याचिका। बीजेपी से जीतने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने विपक्ष को दिया मंत्र, कहा मिलकर सिर्फ एक उम्मीदवार उतारे विपक्ष। सूरत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने केंद्रीय मंत्रियों का उड़ाया मजाक, नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री पर वार। स्वर्ण पद्मावती को लेकर बवाल जारी, चित्तौड़गढ़ के किले को किया गया बंद, बाहर हो रहा है विरोध प्रदर्शन।
पद्मावती विवाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोगों को संवेदना का ख्याल रखने की दी नसीहत। फिल्म के विरोध में उतरे राजपूत समाज पर कांग्रेसी नेता शशि थरूर का तंज, कहा जब ब्रिटिश शासकों ने सम्मान को रौंदा तब भाग खड़े हुए थे तथाकथित महाराज। यूपी के मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ दिया बयान, कहा फिल्म मेकर को रखना चाहिए लोगों की भावनाओं का ध्यान। धौरहरा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रेखा वर्मा ने संजय लीला भंसाली को लिखा पत्र, प्रदर्शनकारियों को फिल्म दिखा रखकर रिलीज करने की मांग। उदयपुर में शादी के कार्ड तक पहुंचा पद्मावती का विरोध, दूल्हे ने 23 नवंबर को होने वाली शादी के कार्ड पर फिल्म के खिलाफ लिखवाया स्लोगन। बिहार में पद्मावती को लेकर विरोध प्रदर्शन, पटना में विराट हिंदुस्तान संगम के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। पद्मावती के विरोध के बीच करणी सेना की जुबान आउट ऑफ कंट्रोल, दीपिका की नाक काटने की धमकी। विरोध को देखते हुए दीपिका के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के बनकटा पर दूसरी ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में मालगाड़ी के नीचे फंस गया युवक, बाल बाल बची जान। पटरी पर लेटे युवक के ऊपर से गुजर गई मालगाड़ी, लोगों ने बना लिया वीडियो। गुजरात के महसाणा में सड़क हादसा, दो गाड़ियों की टक्कर में 7 की मौत। केरल के कुवाडियर में बेकाबू कार की ऑटो रिक्शा से टक्कर, 1 की मौत। हैदराबाद में स्कूल टीचर पर 5 साल के बच्चे की पिटाई का आरोप, टीचर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में शिव सैनिकों ने पकड़ा 80 मवेशियों से भरा ट्रक, जमकर तोड़फोड़। ट्रक में ठूस ठूस कर भरा गया था 80 से ज्यादा गौवंश, दम घुटने से कई जानवरों की मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक के क्लीनर को जमकर पीटा, पुलिस ने चालक समेत 3 को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में अवैध रूप से पशु काटने पर पुलिस की कार्रवाई, कई बूचड़खानों को सीज किया, 74 जिंदा पशुओं को जब्त किया। गौरक्षा के नाम पर अलवर में मारे गए गौपालक को राजस्थान के भरतपुर में किया गया अंतिम संस्कार, मुस्लिम समुदाय की पंचायत के बाद लिया फैसला। नोएडा में दलित महिला के साथ गैंग रेप, हौसखास से टैक्सी चालक ने लिफ्ट देकर नोएडा में रेप किया, लूटा। कार सवार ने पिस्टल के बल पर महिला को बनाया बंधक, साथियों को बुलाकर किया गैंग रेप। ग्रेटर नोएडा के बिस्तरक में कार पर अंधाधुंध फायरिंग, बीजेपी नेता समेत 4 की मौत। बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां मारी, सुरक्षाकर्मियों के साथ जा रहे बीजेपी नेता की गाड़ी को छलनी किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, एक सिपाही घायल। मथुरा में पूर्व कांग्रेस के विधायक प्रदीप माथुर के बेटे की शादी में चोरों ने लाखों रुपए और ज्वेलरी से भरे बैग को उड़ाया, सीसीटीवी में कैद। नोएडा पुलिस ने ठक्कर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 4 लैपटॉप, बाइक, 15,000 रुपए जब्त। यूपी के मिर्जापुर में विधायक के रिश्तेदार पर जमीन कब्जाने का आरोप, पीड़ित परिवार ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से लगाई गुहार। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया, 3 साथियों को 110 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में तिलक समारोह के जश्न में मातम, हर्ष फायरी में 2 को लगी गोली, 10 साल के बच्चे की मौत। यूपी के झांसी में अधिकारियों से तंग आकर सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने खुद को आग लगा लिया, अस्पताल में भर्ती। यूपी के कानपुर में पत्नी से छेड़खाने पर इंसाफ की मांग कर रहे पति ने आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस ने बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। शिमला के गुड़िया रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने तत्कालीन एसपी को हिरासत में लिया, 5 दिन के रिमांड पर भेजा। मध्य प्रदेश के सतना में नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लटाने का मामला, आज तक बरखबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने उचित व्यवस्था नहीं होने तक नसबंदी पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमबीए की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, डिप्रेशन में थी छात्रा, पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सरकारी अस्पताल में रेप का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राजस्थान के झुंझुनू में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में सरपंच की पिटाई, महिला ने सरेआम चप्पलों से पीटा। महाराष्ट्र के अकोला में अस्पताल से बच्चा चुराने वाली महिला को पुलिस ने दबोचा, 21 दिन के नवजात को लेकर भाग रही थी महिला। हैदराबाद में सोना तस्करी के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 60 लाख का 1900 ग्राम सोना हुआ जब्त। जम्मू में नारकोटिक्स ने 1 करोड़ रुपए की चरस बरामद की, 2 गिरफ्तार, महाराष्ट्र से लाई थी खेप। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के साथ मुठभेड़, पुलिस और सीआरपीएफ के 7 जवान घायल। झारखंड के धनबाद में काला धन जमा करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई, 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे। बैन के बाद नहीं रुक रखा ट्रिपल तलाक का मामला, सीतामढ़ी में पति ने दुबई से इंटरनेट पर तलाक दी। कोलकाता में सीपीएम कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प, कई घायल।
असम के बोंगाई गांव में सरकारी स्कूल पर चोरों का धावा, 11 कंप्यूटरों को चुराया। बिहार के वैशाली में बैन के बावजूद धड़ल्ले से बिक रही है शराब, शराब पीने से 3 की मौत। पटना के पाटलिपुत्र इलाके में 50 कार्टन अवैध शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में पिकअप के 800 लीटर शराब बरामद, वाहन छोड़कर भागे तस्कर। बिहार के समस्तीपुर में अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त, 6 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेन्नई में ज्वेलरी शोरूम से 3.5 किलो सोने की चोरी, सीसीटीवी में कैद चोर। पहाड़ों पर बर्फबारी की दस्तक, हिमाचल के रोहतांग में जमकर बर्फबारी, ढक गई पूरी सड़क। बर्फबारी के बाद अगले साल मार्च तक गाड़ियों के लिए बंद हुआ रोहतांग दर्रा, मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी। कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ से ढका। जम्मू कश्मीर के डोडा में गिरी सीजन की पहली बर्फ, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ ही बर्फ। राजस्थान के जैसलमेर में सर्दी की दस्तक, सर्द हवाओं और कोहरे ने दिखाए तेवर। लखनऊ में प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने उठाया कदम, पेड़ों पर पानी का छिड़काव। वन प्लस के नए मोबाइल वन प्लस 5T की न्यूयॉर्क में लॉन्चिंग, दिल्ली में लोगों ने किया दीदार। राजकोट में अपने बच्चों का नाम विकास रखने से कतराते हैं लोग, महानगर पालिका के डेटे से खुलासा। साईं के दर पर जाने वाले हर वीआईपी को दिखाना होगा पहचान पत्र, मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया आदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जालंधर के आदमपुर में एयरफोर्स स्टेशन का किया दौरा, कई यूनिवर्सिटीज को की यूनिट्स को किया सम्मानित। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।